हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं पार्किंग स्लॉट में खड़ी हूँ। आज मैं आई हूँ गाइस वूलवर्थ्स। वूलवर्थ्स यहाँ का एक सुपरमार्केट का चेन है जो ऑलमोस्ट आपको सभी एरियाज में मिलेगा। तो बहुत टाइम से लोग इस चीज़ के लिए बोल रहे थे और मुझ वहाँ के ना सब्जी और दूध इन सब का भाव बताओ और कितने का पड़ता है, उसको इंडियन करेंसी में कितने का पड़ता है, वो सब प्लीज़ बताओ। तो आज के वीडियो में गाइज यही सब हम लोग बात करने वाले हैं। फटाफट शॉपिंग करेंगे और उसके बाद घर चल के भी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया है सामान। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये है $3.50 का एक बंच, मतलब ये सिर्फ $3.50 का है। और ये छोटे वाले जो गाजर होते हैं ना, ये देखिए $1.90 में मिल रहा है। मतलब $1 होता है जैसे कि 50 रुपये, समझ लीजिए। आजकल वैसे एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 54 point something। तो अगर आप 50 रुपये के हिसाब से कंपेयर करें तो भी ये ₹100 का है, समझिए इतना एक पैकेट। तो साथ साथ मैं अपनी भी शॉपिंग कर रही हूँ जिससे कि मेरी भी शॉपिंग होती रहे। और ये देखिए एवोकाडो जो है ना, एवोकाडो, एक एवोकाडो है $4 का, बट ये होता बहुत हेल्दी है खाने में, बट ये ऑर्गेनिक वाला है। वैसे आजकल तो इसका सीज़न है यहाँ पे, और आजकल आई थिंक $2 में एक पड़ जाता है, तो ये ऑर्गेनिक वाला 4 में है। और मैं आपको चीज़ बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। जैसे हम लोग इंडिया में और बात, तो जैसे वहाँ पे ना धनिया, मिर्ची, अदरक, थोड़ा सा पुदीना ले लो, वो सब थोड़ा सस्ता पड़ता है ना, लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें ज़्यादा महंगी पड़ती हैं सब्ज़ियों के कंपेटिवली। देखिए आप, जैसे एक बंच अगर ये है मिंट, मतलब पुदीना, तो ये है देखिए $3 का एक है, मतलब कि $150 का है, ₹150 का है ये। ये देखिए, ये है धनिया की पत्ती, फ्रेश कोरिएंडर, ये भी है $3 की है ये। तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे ज़्यादा महंगी मिलती है। धनिया हो गया, मिर्चा हो गया, हरा मिर्चा, और अदरक हो गया, अदरक तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है सब्ज़ी के कंपेटिवली, वो ज़्यादा महंगे होते हैं। और ये हरी मिर्ची, बहुत मिर्चियों के टाइप है। मशरूम है देखिए, ये छोटा वाला मशरूम जो है खुले में भी मिलता है, अगर आपको खुले में लेना है तो आप वेट कर लें, उसका वेट ले लें और इस पैकेट में डाल के रख लें। और डिब्बे में भी है, ये सब फ्रेश पैक होके एवरी डे आता है। तो ये है 200 ग्राम $4 का। मिलने को यहाँ पे सब कुछ मिलता है, मतलब हर सीज़न का सामान मिलता है। सब्ज़ियाँ यहाँ पे आपको लगभग सारी सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं। तो इस वूलवर्थ स्टोर में आपको सिर्फ ग्रॉसरी, सब्ज़ी भाजी ही नहीं, मतलब इसमें आपको मीट भी सारे मिलेंगे, मतलब फ़िश भी मिलेगा। ये सब सी फूड है, देखिए ये वाली जो है ना मछली, ये न्यूजीलैंड से आई हुई है, $28 किलो है। और ये सैल्मन है, सैल्मन तो बहुत हेल्दी मछलियों में से एक है। और उसके बाद टाइगर प्रॉन्स हैं, और इधर सब चिकन का सेक्शन है। तो ये मीट का सेक्शन है, इससे हम निकलते हैं क्योंकि अभी मुझे इसको नहीं लेना है। और अब चलिए सबसे, जो हम लोगों का सबसे इंडियन खाने में जो सबसे ज़्यादा पड़ता है प्याज, उसका रेट देखते हैं। तो ये है गाइस, देखिए ये रेड वाला प्याज है ना, ये $3.50 का है, $3.50 किलो है एक। तो एक किलो का ये अगर लेते हो आप तो $3.50 का पड़ता है। और अगर आप ये ब्राउन वाला प्याज लेते हो, ये जो होता है ना, ये वाला थोड़ा सस्ता मिलता है, ये $2.90 का है, $2.90। और मैं इनका सबका ना इंडियन उसमें कितना पड़ता है मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी, ठीक है। और अब दिखाती हूँ आपको मैं यहाँ पे आलू का रेट, देखिए ये जो है, ये वाले जो आलू होते हैं ये $4 किलो है, $4 किलो। और ये जो धोना बहुत पड़ता है ना इस वालों को, तो ये $3.50 किलो है, देखिए थोड़ा सस्ता है। ये वाले ज़्यादा बिकते हैं यहाँ पे, फेद वाले प्याज है ये, देखिए ये सबसे महंगे होते हैं, $5 किलो। तो देखिए जो मैं आपसे बोल रही थी ना कि अदरक यहाँ बहुत महंगा मिलता है, ये देखिए $50 किलो है।
जिंजर $50 किलो। तो $50 किलो मतलब 2500 रुपए, आप समझ लो 2500 का अदरक है एक टुकड़ा, एक किलो। और अब चलिए यहाँ पे देखिए मीट की बहुत वैरायटी मिलती है ना, तरह का मीट है, देखिए पॉर्क है, बीफ है, जिसको जो खाना है वो ले ले। और अब आ गई हूँ मैं अंडों के सेक्शन में, क्योंकि मुझे अंडे भी लेने थे। तो अंडों में यहाँ पे बहुत टाइप की वैरायटी मिलती है। देखिए इस समय मैं एक्चुअली देख के आई थी कि इस समय ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, अब इस समय तो काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग आए हुए, सब उथल पुथल करके रख दिया है। ये देखिए इससे कितने वैरायटी के अंडे हैं, ये पोर्ट स्टीफन, यहाँ एक जगह है वहाँ का ये अंडा है पोर्ट स्टीफन फ्री रेंज एग, ये है 100 ग्राम, ये 700 ग्राम का अंडा है 665 का, तो 0.95 पर 100 ग्राम्स। और ये देखिए ये भी है, ये सनी क्वीन फार्म से आया है, ये $6 का है ये वाला डब्बा। और ये वाला है वैल्यू पैक है, ये वाला सस्ता पड़ रहा है, देखिए $9 में पड़ रहा है ये वाला। मैं जनरली ये वाला लेती हूँ, होम ब्रांड है ये वुलवर्थ का, ये जो साइन बना होता है ना ये यहाँ का होम ब्रांड होता है, यहीं का है ये वाला मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, तो मैं एक ये वाला अंडा अपने लिए लेती हूँ। तो 12 अंडे हैं इसमें, और ये मुझे पड़ा है कितने का, $4.50 का ये मुझे पड़ा है। तो अंडों में ना बहुत सारी वैरायटी है, यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ देखिए। और अब यहाँ पे देखिए जूसेस का सेक्शन आ गया। अब आ गए हम लोग गाइस दूध वाले सेक्शन में, दूध का सेक्शन देखिए बहुत वैरायटी की यहाँ पे दूध मिलती है, और यहाँ का दूध कहते हैं बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ की गायें जो कहते हैं बहुत पौष्टिक दूध उनमें आता है, बहुत तरीके का। ये जो हम लोग टोन मिल्क पीते हैं ना इंडिया में, वो है लाइट मिल्क। आजकल कोविड के बाद थोड़ा दूध का प्राइस बढ़ गया, अदरवाइज़ यहाँ दूध बहुत सस्ते मिलते हैं, पर लीटर समझ लीजिए 1 लीटर 20 सेंट्स का 1 लीटर मिल जाता है। अब जैसे कि ये वाला है, ये है 2 लीटर का $2.60 में, ये 3 लीटर $3.90 में है देखिए। तो मुझे जैसे एक ये लेना है, एक डिब्बा अंडा ले लिया है, एक पैकेट दूध ले लिया है, और ये देखिए बहुत सारे दूध यहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है। और ये भी है दूध का सेक्शन, देखिए A2 मिल्क, आई थिंक A2 मिल्क, ये देखिए ये A2 वाला मिल्क है। और फॉल्स में सब बहुत तरीके के दूध हैं यहाँ पे, जो आपको लेना है जितनी फैट क्वांटिटी चाहिए। ये वाले में कोलेस्ट्रॉल कम रहता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो ये वाला ले सकता है, वो $3.30 का है ये। अब गाइस मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मक्खन, देखिए कितने टाइप का मिलता है, हर स्टोर पे मिलता है, मतलब हर सुबह ये इस तरह के जो वुलवर जैसे जो स्टोर्स हैं उसमें मिलता है। तो बहुत टाइप के देखे हैं, सॉल्टेड वाला है, ये यहाँ का है ये वाला, और ये भी यहाँ का है, बहुत टाइप के मक्खन है। जो मैं ले जाती हूँ मैं आपको वो दिखाती हूँ जो 100% बटर कहाँ गया, ये वाला है, ये मैं मुझे ये वाला पसंद है, ये जो बटर सॉफ्ट का 100% प्योर बटर, ये 5.5 का पड़ता है 375 ग्राम्स, ये वाला मैं लेके जाती हूँ, ये वाला बटर ये काफ़ी अच्छा रहता है। और आई थिंक ये न्यूजीलैंड का है, यहाँ का नहीं है, ये न्यूजीलैंड बटर है, पैक्ड इन ऑस्ट्रेलिया है, बट ये वाला होता बहुत अच्छा है, 100% बटर है, और मैं यही वाला यूज़ करती हूँ, तो मैं इसको भी एक ले लेती हूँ। और उसके अलावा भी ना देखिए यहाँ पे कितने वैरायटी के बटर अवेलेबल है, ये सब बटर ही है, पटरी जो आपको फ्लेवर चाहिए, जिस टेस्ट का चाहिए, सॉल्टेड चाहिए, अनसॉल्टेड चाहिए, हुआ तो यहाँ से मिल जाता है, बट जनरली यही प्राइस है। देखिए ये महंगा है, मतलब कोई सस्ता नहीं मिलता है, 250 ग्राम है $5 का ये वाला, सिर्फ 250 ग्राम मक्खन $5 में मिल रहा है। और
और ये है गाइस दही का सेक्शन, जो कि बहुत यहाँ पे दूध दही मक्खन के बहुत वैरायटी मिलते हैं। आपको जैसा भी पसंद है आप उसको यूज़ करिए और लेके जा सकते हैं, बहुत वैरायटी मिलते हैं। ये सब देखिए दूध दही का सेक्शन है, दही मक्खन बटर और क्रीम, इन सब के बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे मिलती है। ये देखिए ये सब क्रीम है, ये जो पूरा सेक्शन है ना इधर, पूरा इधर का क्रीम का है। और अब गाइज मैं आ गई बिस्किट्स के सेक्शन में, ये देखिए ये सब चॉकलेट बिस्किट का सेक्शन है, बिस्किट्स चॉकलेट्स लॉली। और ये है गाइज टिम टैम बिस्किट, टिम टैम बिस्किट यहाँ का काफ़ी पॉपुलर बिस्किट है, मतलब बहुत पॉपुलर है ये ऑजी बिस्किट है, चॉकलेट बिस्किट 100 रुपए का एक पैकेट है, तो ये समझिए $2 का है, मतलब 100 रुपए। तो ये टिम टैम बिस्किट चॉकलेट बिस्किट है, ये टिम टैम ओरिजिनल है, ये दूसरा टिम टैम है, देखिए ट्रिपल चॉक है, इसका प्राइस 4.5 का है, ये महंगा है, जस्ट डबल प्राइस है। और ये नीचे वाले भी देखिए, तो ये भी टिम टैम है, ये वाइट चॉकलेट का है, तो ये $2 में मिल रहा है, मतलब कि ये वाला पैकेट 100 रुपए का आपको पड़ेगा। ये देखिए किटकैट चॉकलेट जो हम लोग इंडिया में खाते हैं, बचपन में हम लोग बहुत खाते थे ये किटकैट चॉकलेट, ये नेस्ले का, तो ये $1 में एक है, इस समय डील में एक्चुअली मिल रहा, नहीं तो इसका प्राइस $2 का था, तो $1 मतलब कि 50 रुपए का एक ये चॉकलेट है, तो 50 रुपए में आपको ये किटकैट मिल जाएगी। और ये जो पैकेट है ना डेरी बिल का, ये थोड़ा बड़ा चॉकलेट है, ये कितना है 180 ग्राम्स का, ये $5 में, मतलब कि 250 रुपए में आपको इतने ये वाला पैकेट मिलेगा, 250 रुपए इंडियन करेंसी का, 250 रुपए में। और ये पूरा चॉकलेट का सेक्शन है, देखिए पूरा ये चॉकलेट ही चॉकलेट है, जो लेना है आप यहाँ से ले लीजिए। और यहाँ पे ना इस सुपरमार्केट में इंडियन ग्रॉसरी का भी सेक्शन है, मतलब इंडियन सामान भी सब कुछ मिलता है, तो अगर आपको इंडियन स्टोर नहीं जाना है तो आप यहाँ से भी अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। लॉकडाउन टाइम में मैं यहीं से सारा कुछ ऑनलाइन मंगाती थी, इंडियन सामान हो या फिर इस तरह की चीज़ें हों, सब्जी भाजी और दूध वगैरह, तो सारा कुछ मैं ऑनलाइन ही मंगाती थी इसी वूलवर्थ स्टोर से। तो और इंडियन ग्रॉसरी स्टोर भी अलग से होते हैं, मैं उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ इंडियन ग्रॉसरी स्टोर वाला भी लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। शिमला मिर्च देखिए गाइस, ये जो ग्रीन वाला है ना, ये ऑलमोस्ट $10 किलो है। तो मेरी शॉपिंग अब हो गई है, मैं बिल करा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। शॉपिंग हो गई है, मैंने सब बिल करा लिया, तो मेरी शॉपिंग तो हो गई गाइज, और अब चलिए जल्दी से घर चलते हैं, और घर पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। मैं घर आ गई हूँ और अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने घी है, एक पैकेट ये अंगूर लिया है, सीडलेस ग्रेप्स, ये सब वुलवर्थ का है, ये जो मार्क है ना ये वुलवर्थ का है, और आपको मैंने दिखाया था कि ये मैं बटर ले रही हूँ, मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। और उसके बाद ये मैंने किचन टाल लिए हैं एक बंडल, और इसमें आता है ये दूध लिया है एक पैकेट, ये 3 लीटर का है फुल क्रीम मिल्क, और उसके बाद ये लिया है प्याज 1 किलो, और ये आलू लिया है 2 किलो का, तो मैंने पैकेट वाला ही ले लिया, मुझे इसकी सही लग रहा था ये मुझे, और ये छोटे वाले खीरे का पैकेट है 1 पैकेट, और एक पैकेट ये मास्क लिया है किड्स मास्क, क्योंकि बच्चों को लगता है कई बार कई जगह बच्चों को भी मास्क लगा के जाना पड़ता है, और ये लिए मैंने अंडे, 12 अंडे के करीब हैं, और ये लास्ट है मेरा रेड लेबल चाय पत्ती, ये 900 ग्राम के करीब है, और
मैंने यहाँ पे बस इतना सा सामान लिया है। और यहाँ पे ना इस तरह के अंडे मिलते हैं, ये वाइट वाले अंडे नहीं मिलते जैसे हम लोग इंडिया में खाते हैं ना, इस तरह वाले अंडे मिलते हैं। ये देखिए तो थोड़ा सा ही मुझे लेना था सामान, मेरा ज़्यादा कोई शॉपिंग नहीं थी आज, लेकिन मुझे आप लोग के लिए वीडियो भी बनाना था तो वो भी बन गया। और तो गाइज़ ये थी मेरी आज की शॉपिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।